अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अमू, बबीता जी रुकिए 2 मिनट। क्या कर रही है? रिवाज भूल गई क्या? अब बबीता जी हल्दी कुमकुम लगाएंगे। बबीता जी भवानी जी, मेरी तरफ से आप कर दीजिए ना ये। अब क्या है ना, हमें पार्टी शुरू करनी है, अब लोग वेट कर रहे हैं और आपको अपनी पूजा भी तो करनी है ना? तो आप लोग यहाँ बाहर अपनी पूजा कीजिए और हम हमारी पार्टी शुरू करते हैं, ठीक है? आप बबीता जी, ये रस्म है ना, ऐसे अधूरी नहीं छोड़ सकते। पूजा करने से पहले ये रस्म करनी चाहिए। 2 मिनट लग जाएंगे, लगाइए। बबीता जी, और एक रस्म है, ये लीजिए, लीजिए ना। अरे क्या है ना, ये लड़की वालों की तरफ से सास को दिया जाता है शगुन के तौर पे, डब्बा भर के सबको खिलाइए। हाँ लीजिए। ओह माय गॉड, मेरी ना आंख में कुछ चुभ रहा है मुझे। एक्सक्यूज मी एवरीवन, प्लीज। ये हल्दी कुमकुम लगाने से क्या होता है और ये व्रत किसके लिए किया जाता है? पति की खुशहाली, उनके लंबी उम्र के लिए। अच्छा, करवा चौथ से? हाँ बिल्कुल वैसे ही। ऐसा कहते हैं जब सुहागन औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं ना, तो उनके पति को लंबी उम्र मिलती है, उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आती है और पति का प्यार मिलता है। वाह, तो इस वजह से रखा था व्रत? वजह तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मत बताओ मत बताओ, समझने वाले समझ जाएंगे। ना समझे वो अनाड़ी है। एक्सक्यूज मी, ये था तुम्हारा कटिया प्लान? पता नहीं कहां से आ जाती है अमृत, तो हर बार मेरा प्लान खराब कर। काकी आप लोग जाके पूजा शुरू कीजिए, हम लोग आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आओ सब लोग आओ। अरे इशिका, ये शादी के बाद की तुम्हारी भी पहली मंगला गौर है ना, तो तुमने व्रत नहीं रखा, पूजा नहीं करोगी जैसे वट सावित्री में किया था? आई, कैसी बातें कर रही है तू? एक तरफ पार्टी है और दूसरी तरफ उपवास है, तो ये लोग पार्टी ही चुनेंगे ना? और ऐसे लोग उपवास करेंगे तो फल थोड़ी ना मिलेगा। वो क्या है ना हर, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ना, उनका फल भी कोई और लेके जाता है, और जो ये उपवास रखता है ना, उनका हाथ भी खाली और पेट भी खाली, दोनों खाली रह जाते।
हाँ तो अच्छे मन से उपवास करोगे तो फल जरूर मिलेगा। अच्छा तो फिर देखते हैं कि आज की पूजा का फल किसे मिलता है, अमृता को या प्रियंका को। रेडी अमृता? मैं तो रेडी हूं, तुम्हारी तैयारी की कमी लग रही है। एनीवेज ये पूजा पाठ रस्में वस्में होती रहेंगी, क्यों ना हम सब पार्टी के लिए जाए। चलिए आप लोग अगर पूजा में भी आना चाहे तो आ सकते हैं, बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। चले भाभी मैं भी आती हूँ आप लोगों के साथ। मैं भी जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा परिवार यहाँ है, वहाँ नहीं, और पार्टी यहाँ हो रही है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। लेकिन दीदी वो अंजलि भी तो गई ना। अंजलि गई नहीं, तुमने उसे जाने दिया। अपनी बेटी तक पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, खुद पर तो कर लो। डैड आई थिंक मॉम की तरफ से हमें भी जाना चाहिए उनकी पूजा में हेल्प करने, है ना? हाँ भाई, मॉम इस सोसाइटी की सेक्रेटरी है और ये तो सोसाइटी का फंक्शन है, तो अगर हम वहां जाएंगे और फंक्शन को हिट करेंगे तो उनका नाम ऊपर होगा ना। चलो चलो चलो। विराट बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टी में आओ, मना मत करना प्लीज। डोंट वरी बबीता जी, हम सब ठीक कर देंगे, पार्टी तो धमाकेदार होगी हमारी। आप भी चलिए। चलेंगे तो चलिए, म्यूजिक और शैंपेन हो जाए। ये, कम ऑन, गो 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 गो। तुम मेरे और विराट के किसके बीच में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए अमृता। अभी तो पूरी रात बाकी और प्रियंका हारने वालों में से बिल्कुल नहीं है। उधर का अरे वो करदार ना कि हाँ बराबर है ना सगड़ा। वो आई, अरे वो दिए कि अशोक छावा तू आ गया, कितनी मदद हो रही है तेरी। दे तो मेरे। हाँ जला देना। हो गई ना पूरी तैयारी? हाँ अमू, पापा की कृपा से सारी रस्में ना अच्छे से हो रही है, तो मुझे भी तुझे कुछ देना है। अर्जु। हाँ क्यों? ये अन्नपूर्णा है, माँ पार्वती का एक रूप, इसे शादी में दिया जाता है लड़की को मायके की तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं, आज दे देती हूँ। माँ पार्वती की कृपा हमेशा तुझ पे बनी रहे, जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना आए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।